निजी महफिलों में अकेले बाहर कहीं रश में शोरो गुल में अक्सर अफराद मुझसे एक ही सवाल बार बार दोहरा दोहरा कर कभी सरगोशी में कभी महफिल में सबके सामने और कभी छुपते छुपाते पूछते हैं, इमरान आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। मैं कभी शर्मो हया को मद्देनजर रखते हुए खामोशी को थाम लेता हूं, कभी नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन अब एक ही सवाल की जब भरमार हो गई तो मैंने सोचा कि मुज़ाकरात के सेट पे इस सवाल का जवाब पूरे पाकिस्तान को दूंगा। तो जवाब कुछ यूं है ऑन साहब, बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों, बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों, जान ने एक उम्र गवाई है मिला कुछ भी। इसी बात पे आपकी खूबसूरत तालियों में के मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद मम्मा शेरा आए 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 आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और आए आए प्यार से यहां से ले जाओ जो एडिया ताड़िया सोहनी अखा ने जिम्मे आस्ट्रेलिया का कोई तेज बालर होंगे जरा देखो आए, आए। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनकर। वेरी गुड। हाय आला आए हाय ओ माय गॉड लुक एट द बॉय लुक एट द बॉयज Look at the dressing, look at the style, look at the chic. Look, guys, a clap for my boys. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wah! Assalamu alaikum. Imran bhai, tusi vaise badi nazar aale ho. Acha ji. Oh, chacha ji di akhaan vekh liyan, lage unhone akhaan matthe te rakhiyan ne. Aur paaji warga banda 10 saal baad Malaysia to wapas aave na. खराब एलसीडी लेके आना। क्या कहते हैं सरदार साहब, आप आजकल पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूथ जेडी 50 टप गई। बेटे मेरी यूथ इतने बैठी है अल्लाह की रहमत ना। किथे है? तेरे मैं अपनी यूथ विखावा और पिछे वे चिट्टी सलवार कमीज बुजुर्ग बैठे मेरी यूथ। तालियां जी। सर नहीं जी, अगर ये तुम्हारी यूथ है तो काबिले एहतराम है, असीं इन्हें सलूट करने। सरदार साहब बहुत पुराने ने वाकई। अच्छा पुराने उड़कुट के देखते हैं कि ये भाई कौन है यार। ये तो एड़े पुराने ने दौर च गोडे ते मुछां होंदियां सी। वाकई मैं बहुत पुराना उदो हाथी नु सुंड नहीं सुंदी भाजी। मैं आके आईडिया दिता, मैं अगर तेरे को एक सुंड होवे इन करके पानी भर के तो इन नहा भी सकने। सवाल मेरा इस दुनिया फानी में अपनी आंख खोलने से पहले ही दम तोड़ गया। सरदार साहब, पढ़ाई को नजरअंदाज करके, काम को नजरअंदाज करके, ये जो मोहब्बतों में जा गिरे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत तो जरूरी है ना, मोहब्बत तो जिसने नहीं की वो तो पत्थर है। वाह वाह। इस मौका पे मैं ये कहना चाहूंगा, अकेला ही चला था जानबे मंजिल। अच्छा, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, यूथ मिलती गई कारवा बन गए। हमारे आज के मेहमान गल बद गई है सरदार जी, पता मैनू मेहमान औखा ही है सद लिया।
a standing ovation. Oh! बड़े सगीर के पिछले 100 साल में अगर टॉप हीरोज का जिक्र हो तो पाकिस्तान से जिन हीरोज ने पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में पकड़ा होगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे उनमें शाना बशाना ये हीरो होंगे। चॉकलेटी हीरो हो या कैरेक्टर हीरो हो या किसी ड्रामे में विलन आए और हीरो से भी ज्यादा मकबूल हो, मेरे दिल में जगह ऐसे है जैसे खरीद रखी हो। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और हमारी यूथ को चाहिए अगर वो अदाकारी सीखना चाहते हैं, डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं या जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना चाहते हैं तो जिस शख्स का मैं नाम लेने वाला हूं उसके लिए पहले रेड कार्पेट बिछाया जाए। अ किंग ऑफ द रिंग, अ स्टार, अ सुपरस्टार, अ टीचर, शब्बीर जाट साहब का सर। वेलकम। वो आपने कुछ शेर शायरी से शो शुरू किया था। हाँ बिल्कुल सर। तो एक कथा मुझे याद आ गया। अरे अरे, आज से कोई 30 साल पहले मैंने इसी शहर में कहा था। अच्छा। एक ड्रामे में, दिल हारने को फिर से बहुत दिल करे मेरा। आए दिल हारने को फिर से बहुत दिल करे मेरा, फिर से बसात इश्क बिछे फिर से मात हो, फिर से मात हो। और घबरा गया है वक्त की यकसानियत से जी, और जी चाहता है फिर से कोई वारदात हो। क्या बात है सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से मजाक रात में तो किसी ने हमसे कहा कि यार ये शब्बीर तो ठीक है, ये जान क्या तुमने लगाया हुआ है। अच्छा। मैंने कहा मैं जान बूझ के लगाया हुआ है। अच्छा। जान आपका सरनेम नहीं है? नहीं नहीं, नेम भी नहीं है। किसने इतने प्यार से जान कहा कि लोगों ने जान कहना शुरू कर दिया? बस सब सारे कुछ पूछ लेना, चलो सारा ना सही, एक दो का तो बताएं। बस मोहब्बत में किसी ने कह दिया, हमने रख लिया। तो सर वो जिसने मोहब्बत में कहा था, जेंडर क्या था उनका? मर गए वो। उन्होंने हमारा नाम जान रखा, खुद जान से चले गए। सर जी वेलकम टू मुज़ाकरात। सर आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। कर दे, तू ही कर दे। चलो आज भी शायद रात कर लेते इसको। वो एक शख्स जो कम कम मुयस्सर है हमको। वाह। वो एक शख्स जो कम कम मुयस्सर है हमको, आरजू है कि किसी रोज वो सारा मिल जाए। वाह वाह। उससे कहना कि अधूरी थी मुलाकात वो, उससे कहना कि आके फिर दोबारा मिल जाए। पिछले दी खिंचती। इमरान भाई सहावत आपको सुन ले जी, ये पढ़े लिख के डॉक्टर बने। अच्छा। इन्होंने अच्छा क्लिनिक भी डाला, बड़ा अच्छी जगह पे। अच्छा। पहला मरीज आया है ओदे कोलों इन्होंने कुट खा ली। ओ, 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 ओ,
मरीज आया, उन्हें कहा पाजी डॉक्टर साहब मेरे भरा नूं करंट लग गया, असीं की करिए? कहिंदे तुसीं शुक्र अदा करो तुहाडे घर लाइट आन दी। सर हमेशा से सोते हुए हीरो बनने का ख्वाब देखा? नहीं। कैसे हुई फिर शुरुआत? बस जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। मसलन? किसी काम का इनकार नहीं किया। वाह। किसी ने कहा ये कर लोगे? मैंने कहा कैसे होगा? बोला ऐसे होगा। मैंने कहा लो। कहते ठीक है कर लो। अच्छा। तो ऐसे ही मैं एक दिन टीवी देख रहा था, तो मैं देख रहा था ड्रामा, उसमें पुरानी बात हो गई, मेरे ख्याल में 40 साल तो मुझे हो गए इस फील्ड में। तो मैंने कहा यार ये साहब एक्टिंग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने हर काम ये सोच के किया है कि आप कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस मैंने वो उसके लिए फिर भागदौड़ शुरू की। 4-5 साल तक हमने पंटरी की है टीवी स्टेशन में, चाय ले आओ, पानी ले आओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ये सफाई कर दो, उसी कर दो। और आप कर रहे हैं? हाँ किया। वाह। अपना काम था, किसी को ब्लेम नहीं है। बहुत अच्छा। मैं नहीं कर, छोड़ के चले जाता, नहीं कर रहा भाई मैं। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूँगा। चाय ले आओ, पानी ले आओ, सफाई जो भी, सब काम जो भी, गाड़ियाँ चलानी है लोगों की, ये करना है। प्रोड्यूसर किसी के बच्चे को स्कूल से ले गया? आहो, बच्चे स्कूल से ले गए, बड़ा भी करता जी। इन्हों ने भी इस तरह भाजी थोड़े वागू दफ्तर से सफाइया की, चावं पियाईया, डायरेक्टर के बच्चे स्कूल छड़े लिया, तो अज भी उही कर रहे। फिर क्या हुआ? बस ऐसे ही हुआ, चलता क्या सिलसिला? काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। फिर मैं, बच्चे उच्चे थे, उनका भी मसला चल रहा था, अल्लाह वली के रहमत के लिए मेरे माँ बाप को उन्होंने संभाला, बस जब तक संभाला। मैं कहता तुसी शादी कराइए ना, मैं सांभा पे तुसी। अच्छा। तो वो चलता रहा सिलसिला, लेकिन फिर थोड़ा सा जब वक्त गुजरा, थोड़ी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, तो मैं पड़ोसी मुल्क में हम कपड़े का काम करना शुरू कर दिया हमने, सामान का। स्ट्रगल छोड़ दी? बस मैंने कहा ये मार देंगे। अच्छा, फिर आप पड़ोसी मुल्क चले गए कपड़े का काम करने? जी, वो काम हम कर रहे थे तो यहाँ एब्सेंट हो गए, तो पूछा गया भाई वो कहाँ आ रहा नहीं आजकल। कहते थे कभी कोई झूठ भी किसी के लिए बहुत सारी चीज़ बन जाती है। हाँ। तो उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने उसे काम नहीं दिया, वो वहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, पड़ोसी मुल्क पे काम कर रहा है? तो हम हर 3 महीने बाद आता था मैं यहाँ पे वापस। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, इंतकाल हो गया उनका, तो मैं एक बार वो उनसे मुलाकात हो गई, चलो चलते हैं। मैंने कहा यार बस कर दे, खुदा मैंने लानी और चाहे उधर चक्कर लगाते हैं अब, लेकिन वो एक खुलबुलाती भी कोई चीज़ भी तो होती है ना। क्या कहते हैं उसे? कीड़ा कहते हैं। अच्छा। तो उसने कहा चल यार, जब हम वहाँ पहुँचे स्टेशन पे, तो प्ले एक सीरीज बन रही थी जिंदगी के नाम से, उसके पहले एपिसोड की रिहर्सल हो रही थी। अच्छा। तो हम खड़े हो गए जाके वहाँ पे, तो डायरेक्टर बैठे हुए थे, राइटर बैठे हुए थे, अल्लाह गली के रहमत करे हमीद कश्मीरी साहब, तो वो मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने उनकी हम पे नज़र पड़ी, तो उन्होंने इशारा किया कि ये आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, हमीद साहब का वो लड़का बाहर से काम करके आया। उन्होंने कहा हाँ बुलाओ बुलाओ, कौन? और वो बाहर कपड़े बेच रहे हैं। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो। वो फिर बैठ गए, 3-4-5 दिन रिहर्सल चली, तो बिल आखिर वो कुरा जो है मेरे नाम निकला कि ये आपने मेन रोल आपने करना। बाकी वो फिर 15 अगस्त 1988 को, वाह, जुम्मे का दिन था, जालक साहब की हुकूमत थी, वो उसमें ऑनियर हुआ था पहला एपिसोड और मेन कैरेक्टर। कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको उसका? बहुत अच्छा। वाह, रातों रात स्टार? मेरी जान तो पीटी भी था ना, खबरनामे के बाद जाओ तो कील ठोकने वाले के लोग पहचान जाते थे, मैं तो मेन रोल कर रहा था। यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ में मौजूद है द रियल किंग ऑफ द रिंग, अ वर्सटाइल लिविंग लेजेंड, शबीर जान साहब, और देखते रहिए मजाक रहा।
सर आपने लातादाद हिट ड्रामे किए, चाहे वो जांगलूस हो, लियारी एक्सप्रेस हो, मतलब अनगिनत ड्रामे, कौन सा ऐसा किरदार था जो आपके दिल में बस गया, उससे ज्यादा पसंद आपको आज तक कोई अपना किरदार नहीं आया? देखें अपनी माँ को तो कोई भी डायन नहीं बोलता। जो भी किरदार आप करते हैं तो वो आपका अपना होता है, आप किसको अच्छा कहेंगे और किसको बुरा कहेंगे। आपके बारे में ये बात मशहूर है कि आप स्क्रिप्ट को सिर्फ एक दफा देखते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी है आपकी, और आप एक दफा देखने के बाद कहते हैं ले जाओ, और फिर लफ्ज ब लफ्ज उसी तरह से कैमरा के सामने अदा करते हैं। ये करम तो मेरे रब का है, कोई शक ही नहीं है, लेकिन ऐसा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं दरअसल अपने जुमले याद नहीं रखता, दूसरे के भी याद होते हैं आपको? दूसरे के ही याद करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं कराची में? सर मैं DHA में। एग्जैक्टली ऐसे जुमला आता है जैसे भी आपने कहा। हाय हाय, जब मुझे पता होगा सामने वाले ने क्या कहना है तो ही जवाब दूंगा। अरे अलग अलग तरह के मद्दा सारी जिंदगी आपको मिले होंगे, बिल्कुल, बहुत सोने खुशियां भी दी होंगी, कोई ऐसा मद्दा जिसे आप सारी जिंदगी नहीं भूल सकते कि ये कहां से आइटम आ गई थी? पता नहीं, मैं एक ड्रामा कर रहा था तो वो शख्स को क्या प्रॉब्लम थी मुझे समझ में नहीं आई आज तक। अच्छा, वो रिसेप्शनिस्ट बना हुआ था होटल के अंदर, तो मैं आके उसको कहता हूँ कि मुझे रूम नंबर 204 की चाबी दे। वो ऐसे ही एक था, उसको डायरेक्टर ने ले लिया था कि ये खड़े जाओ, आएंगे इनको चाबी उठा के दे देना, बस तुम्हारा इतना काम है। तो मैं आया रिसेप्शन पे, चल रहा टेक चली आया, मैंने कहा 204 की चाबी दे दें, 402 की चाबी भाई 204 की चाबी, अच्छा 804 की चाबी। मैंने डायरेक्टर को देखा, मैंने कहा ये करवाना है, ये कर रहा है। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं भाई, तुमको सीधा कहा है जो करना है जो भी है। अच्छा जी सर, सर ठीक है, फिर दोबारा टेक में था 204 की चाबी दे दे, 604 की चाबी, मैं कहा तेरी। फिर तो उन्हें सारियाँ चाबियाँ बढ़ा के पाजी जड़ी मर्जी ले लो। एक मुशायरा बोला था, अब मैं शेर कहूँगा आपसे ना कोई भी, तो आपने उसमें हर मेरे उसके बाद पिच उठा देनी है। क्या बात है, ठीक। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा। मगर ये तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल आपके बाप। अंकल आप ऐसा तो ना करें। बेटा छुट्टियां निकाल के मेरे जितना होगा तू। अंकल आप ऐसा, जब मैं पैदा हुआ पता कितनी मिठाइयां बांटी थी मेरे अब्बू ने। बेटा जब आपके वालदे मोहतरम पैदा हुए थे मिठाई तो उस दौर में भी नहीं थी। बेटा आपके लिए हाथी को कैचअप लगा के लाऊं? नहीं नहीं, ये काम करें इसमें कैचअप लगा दे। अंकल गंदे, कच्ची 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 कच्ची। तो बेटा आपके बाबा कहाँ हैं? वो दरअसल ना मेरे अबू वो यार दुआ कर लो ना। नहीं नहीं नहीं, और फैसला साडा ना प्यार सी है। खाली चूसनी ना दे, चूसनी दे नाल बकरा ला के। बेटा आप कहाँ आए हो? मैं मेरे ना अबू जो है ना अंकल, किसी को बताना नहीं है आपने। मैं पकड़े गए अंकल, जो भी है ना
मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। मैंने अबू की डायरी लेके आया हूँ मैं। और यहो जा लाडला बच्चा अपने दादे का कातिल होता है तभी उत्ते पे तो जंप मारता है। मैंने जंप लगाना है क्या अंकल? मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। तो जाओ ना बेटा। ये तीनों इतने अच्छे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे? इस बच्चे ने दूजी तीजी रिपेयर मारे ना तो इतों पेट्रोल निकल। अंकल मेरे अबू पता क्या चाहते हैं? वो केड़ा बच्चा है तेनू अद्धे तंबू दा पैंपर बाई दा केड़ा बच्चा? गलत 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 गलत, लार्ज, सिर्फ लार्ज। हाँ अंकल ये क्यों है बेटा? अंकल मैं ये कहने आया हूँ, मेरे अबू कहते हैं कि जल्दी बड़ा हो जा। मैंने बड़ा नहीं होना, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में लग जाती है। बड़ा होने का फायदा कोई नहीं है। मैंने इमरान भाई यहीं पर मुझे स्टे करवा दे, मैंने बड़ा नहीं होना, यकीन करे। और दूसरे नंबर पर मैंने शादी भी नहीं करनी। क्यों? बीवियां मारती हैं फिर ऐनक लगानी पड़ती है। यकीन करें बीवियां जो थी ना पहले जानू जानू कहती हैं, शादी के बाद वही जानू के आगे रेल लगा के जानवर बना देती हैं। माशाल्लाह। हमें बता रहा है? हमें बता रहा जो भी है ना, मैंने एक शेर लिखा है, अबू से ही चुराया है, ये गिर गई। मुझे आपने ये शेर सुनने के बाद 20 रुपए देने हैं। मैं लॉलीपॉप लेके आऊंगा, आधा आधा खाएंगे, ठीक है? लॉलीपॉप चले, गुस्सा तो ना करें, पूरा ही खा लीजिएगा। ये शेर है अंकल जी, ये मेरे अबू ने लिखा है और मैं आपको सुना रहा हूँ। उड़ने दो परिंदों को शोक हवा में। शेर लाज भी चुरिएगा अंकल। अंकल आप ऐसे ना देखें मेरी तरफ जी। तो फिर ऐसे देखूं तुझे मैं? उड़ने दो परिंदों को शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। ये ऐश ये बेफिक्री की जिंदगी है, तब तक जब तक किसी को पैसे कमाने नहीं आते। बचपन की जिंदगी बड़ी जबरदस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भी का मौसम काली खट्टे उस स्टेप जवानी वाला कर, तू नानी वाला कर। अंकल मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है। चल ठीक है फिर। अच्छा बोलिए अंकल, मैं आपको जफ्फी डालना चाहता हूँ। टिड्डी से टिड्डी मिलाई रखी हो। अंकल मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, यकीन करो। जान ले अगर तू जान लेता है। ओ बेटा यार, चल बेटा कोई, चल मेरा बेटा शेर, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं साथ। जी 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 जी, मैं आप ये शेर है। जान ले अगर तू जान लेता है, जान लेता है, लेता है, लेता है। जान ले अगर तू जान लेता है, क्यों मेरा इम्तहान लेता है? जख्म ढलते नहीं है लफ्जों में, क्यों मेरा तू बयान लेता है? बोझल कदमों से दिल की गली में ना आना रे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अच्छा शबीर साहब, एक बात आपके बारे में बहुत मशहूर रही इंडस्ट्री में, एक बात बहुत सी बातों में से एक बात, ये जितनी खवातीन है
ये आपसे इतना डरती क्यों थी? और ये हमने देख रखा है कि जैसे अब समझे, बल्कि दिखा देते हैं सबको कि मैं एक लड़की हूँ और मैं सेट पर मौजूद हूँ और मैं शबीर जान साहब द सुपरस्टार कास्ट हुए हैं और सेट पर पहुंचे हैं, तो मैं आपसे मिलने आ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। ये क्यों था? ये रिएक्शन क्यों था? क्यों आप लड़कियों को जवाब नहीं देते थे? ये एक दुख भरी दास्तान है मेरी जान। सर हमने भी अपनी जेब में नोटों के साथ आंसू संभाल के रखे होते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक किसी से थोड़ी सी बात कर लेते, कुछ हो जाता तो वो जब बीवी से मिलती तो वो लंबी कर देती थी। अच्छा, और शबीर साहब तो वाह वाह, वो तो बड़े अच्छे आदमी, वो तो बड़ा हंसाते हैं ना, गाने सुनाते हैं। अब जब हम घर जाते हैं तो छोटा तैयार। बड़े मजे कराते हैं लोगों को। नहीं यार मेरी कब लाओ, मेरी बहुत बात हुई है। मैंने कहा इन लोगों से बात करनी छोड़ दो। वैसे ये बात सच है क्योंकि सर आज मैं भी बहुत डरी हुई थी और परसेप्शन भी ऐसा ही बना हुआ है कि बहुत ज्यादा मैंने कहा नाखून दिखाए क्या, दांत दिखाए क्या। सर जी यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? वो जो एक जख्म हमें दे के मुतमईन है बहुत, वो जो एक जख्म हमें दे के मुतमईन है बहुत, उन्हें कहो कि अभी दिल तमाम बाकी है। अच्छा भाईजान, माशाल्लाह इतना लंबा करियर और सुपर हिट ही, कोई क्रश कितने लोगों के मेरे अच्छा, बहुत से तो आप बोलते हैं मेरा बड़ा क्रश था आप पे। मैंने कहा उससे क्यों दस तू आप पे तो माशाल्लाह सबको होगा, काफी लोगों को होगा, आपको किसी पे है ये पूछना चाहूंगा। मेरा क्रश हुआ था, मैंने शादी कर ली। अरे सर कोई खातून फैन का कोई वाक्या? एक हो तो सुना। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ देखो बेगम जवानी होती है, जवानी की कोई कहानी भी होती है। कहते कहानी होती है ना, कहानियां तो नहीं होती। चले वो जो कहानियां हैं उनमें से जो हल्की सी बाज़ाब्ता तौर पर, तुम भी मेरी तरह जज्बाती आदमी हो, झूठ को सच समझ लेते हो। अच्छा तो हम भी ऐसे झूठ को सच समझ जाते हैं। जिसने प्यार से देखा वो उधर ही हो गए। वो जो एक बड़े मशहूर सिंगर थे, बाजा लगा के बैठते थे, बाजा बज रहा है यहाँ से, उनको दाद मिल रही है, तुम दाद देना। वाह 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 वाह। पर माशाल्लाह से 40 साल हो गए आपको, तो शोबिज इंडस्ट्री में आपने क्या चेंज फील किया है? बस ये इमरान अशरफ आ गया। वो पहले काम समझ लीजिए आप, पहले मशहूर होना बहुत आसान था, अब मशहूर होना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा वो कैसे? पहले आप ड्रामे में आते थे और खबरनामे के बाद लोग पहचान जाते थे आप। अब लोग एड़िया रगड़ के ड्रामों में काम करते हैं। तुम अच्छा आते हो, तुम देखा नहीं यार तुम्हें, चैनल ही इतने हो गए। हाँ काम मिलना आसान हो गया, मशहूर होना मुश्किल हो गया। पहले काम मिलना मुश्किल था, मशहूर होना बड़ा आसान। सर आपने आपने कहा कि चेंज आ गया, इमरान भाई चेंज आ गया, तो चेंज कैसा है ये? बहुत अच्छा चेंज है माशाल्लाह। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ शुरू करते हैं और किसी जगह पहुंचते हैं तो दिल को बड़ी खुशी होती है। क्या वाह क्या हो गया, कभी कोई सीनियर भी आ जाता है यार? हाँ कोई बात नहीं, इधर आए हैं तो आपको मिलवा देंगे। मिलवा रहे हैं ना यार, क्या हो गया? आ नीचे आ, नीचे मिलवा दे। आ जाओ आराम से। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंडरी शबीर जान साहब इज हियर, द स्पॉट माइक एंड स्टेज इज ऑल योर्स शबीर साहब। जी शबीर साहब। नहीं मैं पहले भी आया हूँ जब ये शो होते थे,
तो आज हमने बहुत इंजॉय किया मुझे। अरे सर तो वंडरफुल, लोग बहुत अच्छे हैं, सब पार्टिसिपेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इधर भाई लोग भी माशाल्लाह हमेशा की तरह अपनी पूरी तवानाई के साथ काम कर रहे हैं। डेडिकेट करना चाहेंगे इनको कुछ? मैं खुद ही हो जाना यार। अकेले ना जाओ, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिए, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिए, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो, तुम ये सोचा है हमने के अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। क्या बात है, कहीं जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द मैन ऑफ द मैन शब्बीर जान साहब, और देखते रहिए क्या मजाक रहा। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप इस वक्त बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। आप भी बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। चलें जी, ये तो आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। नहीं, किसी से भी पूछ लें, पूरा हॉल बताए जी, लग रही है कि नहीं स्टाइलिश? यस। ये बात क्या बात है, नाम क्या है आपका? फाइका बतूल नकवी। क्या कहना चाहती है? मैं शब्बीर जान साहब का ड्रामा जांगलूस जो मैंने देखा, उस वक्त मैं टीनेजर थी, तो वो मुझे अभी भी याद है। बड़ा अच्छा इनका डायलॉग डिलीवरी, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, यानी अभी भी मैं उसको याद करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने बताया। क्या बात, क्या बात, वो ड्रामा ऐसा था, तो वो मुझे लगता है कि वो इनकी पहचान है और रहेगा। क्या बात है, क्या बात। उसमें एक बहुत मेरे साथ एम वारसी भाई थे, लाली लाली, तो वो जुमला उनके साथ बहुत, ओए लाली तू कहीं भी जाते, ओए लाली तू हम वहाँ गए नेशनल स्टेडियम में, तो वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था, कायद अजम ने फरमाया ओए लाली तू बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। ऐ दो सहेलियां बैठियां ने, इंग्लिश में बहने बहने तालियां। अगर आप दोनों सिस्टर हैं तो बड़ी ज्यादती है, भी एक सिस्टर को एक टाइम खाना मिलता है, एक को तीन टाइम मिलता है। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम है निमरा सिद्रा। क्या करती हैं आप दोनों? मैं तो फ्री हूँ, और ये मैं अकाउंटेंट हूँ। ओ माशाल्लाह, तो फ्री क्यों हैं आप? वैसे ही मैं अपनी मम्मा के पास रहती हूँ। अच्छा, बड़ा कौन है आप दोनों में से? ये बड़ी हैं। वो बड़ी हैं, अच्छा। जरा मेहंदी तो दिखाओ अपनी, जो सबको क्या बात है, क्या कहना चाहती हूँ? शब्बीर सर, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, सब रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप एक जो गुस्से वाला रोल करते हैं ना, आप कमाल करते हैं। आपसे एक बात करनी थी कि आप प्लीज फरहाद को घर वापस बुला ले। आए, आए। नहीं बुलाएंगा मैं। इमरान सर, मैंने
अभी रिसेंटली अवार्ड देखे हैं आपके, आपने उसमें भी वाइट कलर का पेंट कोट पहना हुआ था, आपने आज भी वाइट कलर का पेंट कोट पहना हुआ है। मैं तब भी सबको कह रही थी कि आप वाइट पेंट कोट में बहुत प्यारे आपने लगते बाकी हैं। जो दिनों में नहीं देखा ना उसमें भी यही पहने। लेकिन आप बहुत क्यूट लगते हैं वाइट कलर में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कलर भी बहुत अच्छा होता है अनुराग सर। कि काले को काला मत कहो, कि काला तो सबसे आला है, और काली पुतली काला सुरमा आंखों में रहने वाला है। जावर नहीं होते जिन्हें डस लेते हैं काले, अल्लाह किसी जुल्फ के फंदे में न डाले। अल्लाह करे तेरी जुल्फ इतनी बड़ी हो तो तेरी बला तेरी ही गर्दन में पड़ी हो। और काला वैसे भी अंदरों चिट्टा होता भाजी, संघाड़ा नहीं देखा, संघाड़ा देखा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तुसी कदों आए हो? मैं 3-4 घंटे पहले। ते का रोटी किने पकाई है? वो आंटी ने। कौन आंटी? सास ने। ऐसा क्या करती हैं आपके सास आपके लिए खाना बना रही है? मैं उनको अपनी माँ समझती हूँ। इसलिए काम ते लाया। आपसे क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि आपका जो आपके जो सफ़र का आगाज़ हुआ जांगलूस ड्रामे से अब तक के सफ़र में कोई ऐसा किरदार जिसकी तशनगी अभी आपकी बाकी हो? मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है मैं फिर से दोबारा से उसको करूँ। हुजूर अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह, ओए काले कुंडल ते जुल्फां छल्ले 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 छल्ले, मैं मननिया जग वे सोना बड़ा, ना की है चौधरी काशिफ? चौधरी काशिफ तू थल्ले थल्ले वे थल्ले। ओए चौधरी साहब, कल्ले आए हो या गन्ने भी लेके आए हो? ते कल्ले ही आए हैं ते गन्ने आ जाएंगे। जो भी ले आओ इन गरीबां नु जरूर देना इंशाल्लाह। इन गरीबां नु देना ए साडे को आपे ही ले लेगा। सानू गरीबां नु देना पाजी ने, जो बैडन दा पुत्र नु कख ना दे। चाहिए सर क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं सर आपको सलाम अर्ज करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और उससे भी पहले शब्बीर जान साहब, क्या बात, बचपन से उनके ड्रामे देखते आ रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने हर ड्रामे में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, और इनकी शक्ल मेरे ताया जी से भी मिलती है, इसलिए मुझे और ज्यादा यार। एक शेर बोलना चाहूँगा। शेर बोलिए। मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं और फैमिली जो मेरी इंग्लैंड में रहती है सर, अच्छा, सबकी नज़र है सर ये, दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब कुछ कबूल है अगर साथ तेरा। आए, 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 आए। क्या बात। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेटा नाम क्या है आपका? सर मोहम्मद जुल्कनैन हैदर। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं सर के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। सिंगर? क्या बात है, थोड़ू निगम। थोड़ू निगम सुनाओ। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। हाथ से हाथ क्या गया, तू नहीं तेरी चूड़ियों की खनक, अब सुनता हूँ दिल की धड़कन से तेरे आंचल साथ रंगी थनक, जा नहीं पाई मेरे आंगन से तेरा चेहरा तो मेरी आंखों में नए सपने सजा गया। क्या हाथ से हाथ
क्या कहते हैं आप, क्या गए आप? बहुत अच्छे गए, आवाज बहुत अच्छी, जीते रहो यार, आवाज बहुत अच्छी। मेरा भरा बदाम बदूम खाया कर, मैं इस गल की खुशी तू अंतरा पूरा कह लिया। शबीर साहब सर मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं भी माफ कर दिया। I love you sir, love you too darling, I love you, thank you very much, love and respect for you। मेरी आपके लिए दुआ है, खुदा करे कभी जिंदगी में आपकी आंखें आंसू ना आए सर। आमीन।